हेलो एवरीवन, नमस्कार। मुझे देखने वाले सभी स्टूडेंट, सभी एस्पिरेंट, सभी दर्शकों का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि सीजीएल 2021 के एग्जाम चल रहे हैं। 19 अप्रैल है आज 2022, और आज के दिन हम जानेंगे कि तीनों शिफ्ट में कैसा बच्चों का रिस्पॉन्स रहा, एग्जाम कैसा देखे है वो, कैसा उनका एग्जाम रिव्यू एनालिसिस है। तो तीनों वीडियो आज की आप ध्यान से देखना, आपके अगले दोनों दिनों के एग्जाम जो होने हैं उसमें आपको हेल्प मिलेगी। पिछले जिनके एग्जाम हो गए उनको भी इन वीडियो से फायदा होने वाला है, क्योंकि वो नॉर्मलाइजेशन का स्कोर जो है थोड़ा आंकलन कर सकेंगे उसका। और उसके अलावा ये कहना चाहूंगा कि मेरा टेलीग्राम पे भी एक चैनल है, आप लोग वहाँ ज्वाइन कर लें। यूट्यूब चैनल तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कर ही दे, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ, जो भी अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए डालूँ वो आपसे कभी मिस ना हो। और फेसबुक पेज है उसको लाइक कर देना, और जो भी आपके लिए मैं वीडियो लाऊंगा आप डैम श्योर देखिए, हर वीडियो में कुछ ना कुछ बात छुपी होगी जो आपको सिलेक्शन तक ले जाएगी गाइज। तो चलिए जानते हैं बच्चों का रिव्यू, आ जाइए। बढ़िया, कितना अटेम्प्ट कर दिया? 85 बहुत बढ़िया। एग्जाम का लेवल कैसा लगा? इजी टू मॉडरेट लेवल था, थोड़ी रीजनिंग में सीरीज के क्वेश्चन थोड़े से हार्ड थे, बाकी इंग्लिश इजी थी, मैथ इजी था, मैथ भी इजी लगा, लेकिन जीएस सबसे बेकार थी। बेकार आई हुई थी, बहुत मुश्किल कह सकते हैं कि मेरे को लगता है 11 से लेके अब तक का जीएस तो बेकार थी, सबसे मुश्किल लगी आपको। करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन देखे? आए ही नहीं, 19-18 के आए हुए थे, 2018-19 के क्वेश्चन करंट अफेयर्स में आपने देखे। अच्छा, फिजिक्स का क्वेश्चन? फिजिक्स का नहीं, केमिस्ट्री का था, बायो का था दो क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन, हिस्ट्री के थे दो तीन क्वेश्चन। एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न किस में से? एक तो था बुक का था, कोई पुरानी बुक थी। अच्छा, और एक दो और क्वेश्चन। और करंट अफेयर से वैसे टोटल कितने क्वेश्चन? 2-3 क्वेश्चन करंट अफेयर के, 2-3। अच्छा जी, और अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन देखा कोई? नहीं, अपॉइंटमेंट का कोई क्वेश्चन नहीं था। अवार्ड का था एक क्वेश्चन, बुक एंड ऑथर। स्पोर्ट्स से एक था, फेमस पर्सनालिटी कोई, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कोई भी नहीं था, स्टैटिक जीके से था कोई, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेस्टिवल नहीं, ये भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। वोकैबुलरी पहले देख रखी थी आपने? हाँ, आसान इंग्लिश का तो इजी पेपर था, बहुत इजी था। अच्छा जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रखे थे मतलब आपने, वोकैबुलरी प्रीवियस ईयर ही आई हुई है। अच्छा, रीजनिंग में कैलेंडर क्लॉक का कोई क्वेश्चन देखा? नहीं, कैलेंडर का कोई क्वेश्चन। इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन आते हैं, जो वर्ब के आगे प्रपोजिशन लगते हैं, हां वैसे भी क्वेश्चन था, क्वेश्चन टैग से भी था एक क्वेश्चन, एजुकेशन टैग से भी, लेकिन जो एरर स्पॉटिंग थे वो सबसे ज्यादा थे, 4-5 क्वेश्चन। अच्छा, और मॉक लगाए हुए थे पहले? हां, मॉक। तैयारी कितना टाइम से कर रहे हो? तैयारी 5-6 months। अच्छा, 85 अटेम्प्ट जो आपने किए, गैस वगैरह भी लगाए होंगे? नहीं, जीएस में अगर होगा एक दो तो होगा, बाकी कुछ कहना चाहोगे? कैलकुलेटिव लगा एग्जाम? नहीं, कैलकुलेटिव नहीं था, मैथ का कोई कैलकुलेटिव नहीं। अच्छा, रीजनिंग लगी? हाँ, रीजनिंग थी थोड़ी, सीरीज के थोड़े बेकार। कुछ कहना चाहोगे? सभी अच्छे से तैयारी करिए, इजी था, इजी टू मॉडरेट पेपर था आपका, तैयारी करिए अच्छे से, थोड़ा सा जीएस को थोड़ा सा अच्छे से तैयार करिए। थैंक यू। हाँ जी सर, कितना अटेम्प्ट किया आपने? तो 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दी, बहुत बढ़िया। एग्जाम लेवल कैसा लगा? एग्जाम लेवल अच्छा था, पर स्पीड चाहिए बेसिकली। अच्छा, पर सेक्शन कितना अटेम्प्ट कर दिया आपने? पर सेक्शन वाइज तो मेरे मैथ्स के जो पॉइंट्स के हैं वो कम कर पाया मैं, क्योंकि टाइम नहीं था, वो कम रह गया, फर्स्ट अटैम्प्ट था तो मेरे टाइम का। अच्छा, आपका फर्स्ट अटैम्प्ट था, मॉक्स वगैरह लगा रखे थे आपने पहले? कैलकुलेटिव लगा एग्जाम? कैलकुलेटिव जैसे रीजनिंग सेक्शन था उसमें थोड़ा सा टाइम लगता। अच्छा, रीजनिंग टाइम टेकिंग लगी आपको? इंग्लिश का था और जनरल अवेयरनेस का था, वो कम टाइम में हो जाता है। हाँ, जनरल अवेयरनेस तो हो जाती है, बस क्वेश्चन आता है तो आता नहीं आता। हाँ, और कैलकुलेटिव लगा थोड़ा बहुत? कैलकुलेटिव बाकी पॉइंट और रीजनिंग में तो थोड़ा करना टाइम लगा, बाकी तो। चलिए, थैंक यू। कैसा गया आपका एग्जाम? एग्जाम कितना अटेम्प्ट कर दिया आपने? सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। गैस वगैरह कितना लगाया? 5-7-10-15 क्वेश्चन कुछ? हाँ, इतने ही लगाया, 10 क्वेश्चन लगाया। अच्छा, एग्जाम का लेवल कैसा लगा? एग्जाम का लेवल ठीक था, जीएस मुश्किल लगा, मैथ ज़्यादा लगा, मैथ आपको लगा थोड़ा लेवल तो मॉडरेट लगा मतलब आपको। अच्छा, तो मैथ में जो क्वेश्चन कैलकुलेटिव वगैरह भी लगे थोड़े? हाँ जी, कल। अच्छा, और जीएस कैसी लगी? मॉडरेट थी, डिफिकल्टी कह सकते हैं। रीजनिंग का लेवल कैसा लगा आपको? रीजनिंग का लेवल ठीक था, रीजनिंग का लेवल आपको मिला? इंग्लिश भी ठीक था, इंग्लिश ठीक था, ओवरऑल क्या सकते हैं कि ठीक था? ओवरऑल ठीक था, हो गया मतलब। चलिए, थैंक यू।
हाँ जी सर, कैसा गया एग्जाम आपका? एग्जाम मेरा अच्छा गया। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए? मैंने 85 अटेम्प्ट किया। 85 आपने अटेम्प्ट कर दिए, गैस लगाया? कुछ क्वेश्चन थे तो लगे थे गैस लगाया। कितने? 5 से 6 क्वेश्चन गैस किए। अच्छा, एग्जाम का लेवल कैसा लगा? अच्छा, मॉडरेट लगा। आप जी एस कैसी लगी? जी एस टफ थी। अच्छा, मैथ्स इंग्लिश? टाइम कंज्यूमिंग थी पर थोड़ी नॉर्मल थी। आपके हिसाब से टाइम कंज्यूमिंग थी? मॉक वगैरह आपने लगा रखी? थोड़े बहुत लगा रखे। अच्छा, मतलब लास्ट के रिवीजन टाइम में कम ही लगे। अच्छा, कैलकुलेटिव लगा एग्जाम? थोड़े कैलकुलेटिव लगे आपको मैथ के क्वेश्चन। और डी आई के 4 क्वेश्चन आते हैं जो ग्राफ वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उनकी चारों की जो डाटा था वो अलग था, सेम था? थोड़ा बहुत सिमिलर ही था बट नेशनल था। चलिए, थैंक यू। कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया आपने? सर 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए। एग्जाम का लेवल कैसा लगा? मतलब इंग्लिश कैसी थी आपके हिसाब से? बहुत ज़्यादा ईजी थी इंग्लिश। और इंग्लिश बहुत ज़्यादा ईजी, मतलब रीजनिंग? रीजनिंग अच्छे क्वेश्चन थे उसमें, 2-4 बाकी बहुत ज़्यादा ईजी। अच्छा, रीजनिंग ईजी थी पर 3-4 क्वेश्चन जो थे अच्छे थे, मतलब मॉडरेट कह सकते हैं। कैलकुलेटिव लगे थोड़े से? यस सर, टाइम लग रहा था क्वेश्चन सॉल्व करने। मैथ्स कैसा लगा? मैथ्स ईजी था। अच्छा, थोड़े से क्वेश्चन थे वो कैलकुलेटिव थे आपके हिसाब से? कैलकुलेटिव? यस सर। अच्छा, कैलकुलेशन पावर ठीक है आपकी? सर थोड़ी सी। अच्छा, मतलब मॉक वगैरह लगा रखे थे कि कम ही लगाए? लगाए थे बट फिर भी। अच्छा, प्रैक्टिस में कमी रहेगी? प्रैक्टिस में कमी। अच्छा, जीएस कैसा लगा आपको? जीएस हाँ, वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वो पुराने आ रहे थे ना। कब? कितने पुराने? जैसे 2020-2021 जो प्राइस वगैरह के क्वेश्चन थे वो उस टाइम के आए थे। अच्छा, तो फिर ऑब्वियसली इस टाइम बच्चों को नहीं पता होगा। अच्छा, 2019 तक के क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब पूछे जा रहे हैं जीएस से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अच्छा, वैसे जी एस कैसी लगी? मतलब जो स्टार्टिंग जी पी होती है और जो चैप्टर्स वगैरह होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इकोनॉमिक्स वगैरह, उसके क्वेश्चन कैसे लगे? फिजिक्स केमिस्ट्री से और कम थे उससे क्वेश्चन, मुश्किल थे? ठीक थे, मुश्किल भी थोड़े से, मतलब ईजी थे वैसे, जैसे किसी से पूछा था क्वेश्चन नहीं होता ना। तो मतलब ये था आपके हिसाब से भी कैलकुलेटिव लगा ओवरऑल? यस सर। तो गाइज, ये थे स्टूडेंट 19 अप्रैल 2022 जिन्होंने सीजीएल 2021 का एग्जाम दिया शिफ्ट 1 का। तो देख सकते हैं आप कि जीएस बहुत ही मुश्किल पूछी गई है इस वाली शिफ्ट में। हर बच्चे ने एक ही बात बोली है कि जीएस बहुत मुश्किल थी, मैथ इंग्लिश रीजनिंग वही चल रहा है। रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन आज कैलकुलेटिव देखने को मिले सीरीज के, और उसके अलावा मैथ्स में जो क्वेश्चन था पार्ट थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, 2-3 क्वेश्चन का कैलकुलेटिव पार्ट लगा बच्चों को, मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन लगे 2-3। तो कह सकते हैं कि जीएस जो है बहुत मुश्किल पूछी जा रही है, बल्कि किसी ने तो यह भी कहा कि 2019 के भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिले यहाँ पर। तो 2020 के नॉर्मली पूछे जा रहे हैं, 2021 के नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जीएस पे आप अच्छी पकड़ बनाएं, और करंट अफेयर अभी भी अगर किसी के पास टाइम लगता है तो वो एक बार चाहे ताज़ा देखा होगा, ताज़ा आपको याद रहने वाला है, एक बार आप लोग जरूर 6 महीने के एटलीस्ट, मतलब 6 महीने से तो आप प्रिपरेशन कर ही रहे हो करंट अफेयर्स की, उससे पिछले 6 महीने के भी आप कर लीजिए करंट अफेयर, एक बार आंखों से गो थ्रू होगा तो आपको ताज़ा एग्जाम में याद भी रह जाएगा। और यही कहना चाहूंगा कि आप लोग चैनल पर जुड़े रहें, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेके आने वाला हूँ। CHSL 2021 के एग्जाम से मैं आपको CHSL 2020 के क्वेश्चंस करा दूंगा, CHSL 2019 के क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ, और मेन से पहले मैं लगभग आपको 2000 क्वेश्चन करा दूंगा। चैनल को एटलीस्ट एक बार जरूर सब्सक्राइब कर देना आप सभी एस्पिरेंट्स। अगर मैं अपनी बात से कुछ रह जाऊं ना, क्वेश्चन इतने प्रोवाइड करूं, तो चाहे अनसब्सक्राइब कर देना बाद में। जो भी सीरियस एस्पिरेंट है मेंस का, जिसने अच्छे से प्रिपेयर करना हो, नेक्स्ट सीजीएल जिसने प्रिपेयर करना है, या CHSL CPO, तो आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ, और धीरे धीरे आपको मैं बताता रहूँगा कि आगे आगे चैनल पे हम लोग क्या करने वाले हैं। तो जुड़े रहे गाइज, थैंक यू।